आज मैं आपके सामने ना एक च्यवनप्राश बनाती हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग एकदम अच्छे से होंगे। प्लीज एक्सक्यूज माई लुक, मैं एकदम थकी हुई हूँ। कल रात में हम लोग ट्रैवल करके आए हैं लखनऊ से दिल्ली, और आज अंशिल की फ्लाइट है दिल्ली से वियतनाम की वापस। एक सेकेंड पकड़ो, प्रिया के इस लुक की वजह है बेचारी बहुत देर से रो रही है। ये सेकेंड और थर्ड रीजन था, फर्स्ट रीजन है पिछले 5-6 घंटे से रो रही है कि जा रहे हो वियतनाम, जा रहे हो वापस से, कब मिलेंगे। वो तो यार ऑफ कोर्स सी बात है, मतलब जब आते हैं तो जितनी खुशी होती है वापस जाने में उतना ही दुख होता है अपने फैमिली से। मतलब फैमिली क्या यार, अपने हस्बैंड से दूर रहना, इट्स वेरी वेरी टफ, ऑनेस्टली इट्स वेरी टफ। खैर, कल रात को हम लोग ट्रैवल करके आए हैं लखनऊ से, आज सुबह दिल्ली पहुंचे हैं। रात की हमारी ट्रेन थी और आज अंशिल की फ्लाइट है वियतनाम के लिए रात 12 बजे की। तो बस अभी मैं यहाँ पे पैकिंग वगैरह कर रही थी खाने की। कल संडे है, कल पहुंचेंगे, मतलब हमारे इंडिया के हिसाब से सुबह 6 बजे अंशिल वियतनाम पहुंचेंगे। तो मेरा ये मन था कि मतलब कल के दिन इनको कुछ जाके कुकिंग ना करनी पड़े, क्योंकि ऑलरेडी यार घर जाएंगे, सफाई करना, कपड़े धोना, बहुत सारे काम होते हैं यार। तो अंशिल को जो चीजें पसंद है वो मैंने बनाई है, मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैंने पैक कर दिया है ऑलरेडी, ये देखो, गाजर मटर की सब्जी, ये मैंने दो बॉक्सेस में करके रख दी है, ठीक है। और ये मम्मी ने गाजर का हलवा बना के रखा है, दिखाती हूँ। ये भी, ये गाजर का हलवा ना बना के हमने फ्रिज में रख दिया था, जिससे कि एकदम सेट सा हो गया, और इसे मैंने अच्छे से पैक कर दिया। तो ये अंशिल का पूरा टिफिन हो गया। अभी हम लोग पराठे बनाएंगे, मेथी और आटा मम्मी गून के गई है, अभी मम्मी मंदिर गई है, मम्मी की आज कीर्तन था, तो मेथी का आटा है जो अंशिल को बहुत पसंद है, तो मेथी के हम पराठे बना के दे देंगे। और डिनर के लिए मैंने बनाई है ये वाली दाल, मूंग छिलका वाली दाल, अंशिल को बहुत पसंद है। इसमें बस टमाटर प्याज का तड़का लगा के जैसे मैं यूएस में बनाती थी वैसे। और मैं ना आपको ये वाला टिफिन बॉक्स दिखाना चाहती थी, ये मम्मी ने लखनऊ से दिया है। इस टाइप का एक टिफिन बॉक्स ना मेरे पास यूएस में भी है, अंशिल अपने ऑफिस लेके जाते हैं। इसमें पता है क्या होता है, इसमें ना खाना एकदम गरम रहता है। इसमें देखो, आप इसे ना प्लग इन कर सकते हो, और आपने मतलब जैसे कि यूएस में क्या करती थी, शाम को जो सब्जी बनाई है वही नेक्स्ट डे अंशिल ऑफिस में लेके जाते थे, तो मैं फ्रिज में रख देती थी, नेक्स्ट डे मैं टिफिन में डाल के दे देती थी और अंशिल इसे ऑफिस जाके प्लग इन कर लेते थे। लंच टाइम तक इतना ज्यादा गर्म और एकदम फ्रेश लगता था खाना कि जैसे अभी बना है। तो इस टाइप का ये टिफिन मम्मी के पास एक और रखा था, मम्मी ने बोला कि तुम ये लेके जाओ। मैंने अपने हाथ से कुछ चीजें बना के अंशिल के लिए पैक कर दी, जो उन्हें खाना बहुत अच्छा लगता है, तो अब मुझे भी फाइनली थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। एक तो हम इतने टाइम बाद मिले थे, ऑलमोस्ट 3 मंथ्स बाद, तो पता है ऐसा हो रहा था कि जो अंशिल को पसंद है ना, बस इन 15 दिन जितने हम मिले हैं उसमें उन्हीं की पसंद का कुछ कुछ खाना बनाऊं। यार जब आप अकेले रहते हो ना, चाहे आपके पास टाइम हो चाहे ना हो, अकेले के लिए खुद के लिए कुकिंग हो ही नहीं पाती। वहाँ पे वियतनाम में वो बस एकदम बेसिक मील्स बनाते हैं, अनलाइक जैसे मैं अपनी किचन में कुक करती थी, अपनी फैमिली को सर्व करती थी। खैर, अब मैंने अपने हाथ से उनका टिफिन वगैरह लगा दिया है, ये तो जस्ट 1-2 दिन का खाना है, वैसे मैंने काफ़ी सारी मिठाई वगैरह और भी पैक करके उनके साथ बांध दी है, तो मुझे अच्छा लग रहा है। और फाइनली अब अंशिल का जाने का टाइम हो गया, तो यहाँ पे तिलक होगा, और पता है बच्चों का भी इतना ज़्यादा मेल्टडाउन होता है, मुझे लगता था कि शायद केशु के इमोशंस इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, बट इस बार अंशिल गए ना तो केशु इतना रोया, वापस आते वक्त एयरपोर्ट से तो दोनों बच्चे इतना रो रहे थे कार में, मतलब बहुत मुश्किल हो गया था संभालना। बट ठीक है, थोड़ा सा टाइम है, अब तो ऑलमोस्ट टाइम खत्म ही होने वाला है, आई होप हम जल्दी से इस एयरपोर्ट पे आए, चारों एज अ फैमिली अपने घर वापस शिकागो चले जाएं। इमोशनल मोमेंट। चलिए, अंशिल तो चले गए हैं, अब मैं आपको लेके चलती हूँ एक अच्छी सी रेसिपी की तरफ, जिसकी मैंने एक स्निपेट इंस्टाग्राम पे पोस्ट की थी और आप सब ने उसकी रेसिपी पूछी है। हेलो बेटा, आप सब लोग कैसे हो? आप सभी को मेरी रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, आप सभी लोग ने लड्डू की रेसिपी देखी, बना के फोटो भेजते हो, मुझे मैं देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपके सामने ना एक च्यवनप्राश बनाती हूँ होममेड, ये मैं मेजरमेंट के लिए ये लेके आई हूँ, इससे च्यवनप्राश बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ये मैं अभी आपको सब चीजें इकट्ठा करके फिर बताती हूँ। मेजरमेंट के लिए मैंने एक छोटी सी बाउल सा ले लिया है, पहले इसका वेट कर लेती हूँ, ये 46 ग्राम की है। अब इसमें मसाले डाल के अपने
और मेजर कर लेती हूँ। ये सफेद वाली काली मिर्च है, इसको दक्षिणी मिर्च कहते हैं। ये 10 ग्राम है। ग्राम पीपल है। ये बड़ी इलायची है, ये बड़ी इलायची 25 ग्राम है। ये 20 ग्राम छोटी इलायची, हरी वाली इलायची। ये 20 ग्राम काली मिर्च हो गया। काली मिर्च के बाद क्या था, लौंग। लौंग डाली है मैंने। ये 46 थी ना? हाँ। तो 46 में 71 नहीं, 25 ग्राम सॉल्ट है भाई। हाँ तो 71 हुआ ना मम्मी। ये सौंठ मेरे पास पिसी हुई है, ये 25 ग्राम सौंठ डलेगी इसमें। 10 ग्राम दालचीनी डाली है। इन सारे मसालों की एग्जैक्ट मेजरमेंट ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी, जिससे कि आप आराम से रीड करके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे ना इस च्यवनप्राश को बनाने की रेसिपी, तो आपका एकदम बाजार जैसा च्यवनप्राश बन के रेडी होगा। इन सारे मसालों को हम मिक्सी में डाल के पहले पीस लेंगे और उसके बाद हम छान लेंगे, जिससे कि इसका मोटा वाला पार्ट सेपरेट हो जाए और जो पाउडर्ड फॉर्म होगा ना वो हम च्यवनप्राश बनाने के लिए यूज करेंगे। इसमें 100 ग्राम घी मेजर कर रही हूँ। कितनी थी कटोरी खाली? 75 ग्राम्स की थी, तो 175 का हो जाएगा। ये 1 किलो आंवले मैंने लिए थे और इसको कुकर में डाल के थोड़ा पानी डाल के 3-4 सीटी लगा ली। जब ये ठंडे हो गए तो इनकी सारी गुठली निकाल दी और ये आंवले इस तरीके से कर लिए मैंने। अब इनको मैं पीसने जा रही हूँ मिक्सी में। बेटा ये इस तरीके से उबलेंगे कि ये सॉफ्ट हो गए, ये देखिए। और ये बगैर पानी के ही पिसेंगे, पानी नहीं डालना इसमें। ये बेटा बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनेगा इस तरीके का कुछ। पहले ये कढ़ाई में घी डाला मैंने। सबसे पहले ये घी डाला, उसके बाद जो ये आंवले का मैंने पेस्ट बनाया था वो डाला। आंवले के इस पेस्ट को ना आप अच्छे से भूनिएगा लो मीडियम फ्लेम में, घी में करीबन आधा घंटा लगता है इसे भूनने में और ये ना एकदम चिपकना बंद हो जाएगा कढ़ाई तक, तब तक भूनना है। ये बेटा मैंने लो मीडियम पे जो आंवले का पेस्ट डाला था कढ़ाई में, घी डाला था, उसको मैं इस तरीके से भून रही हूँ लो मीडियम गैस पे। ये बेटा जो आंवला और घी डाला था कढ़ाई में, ये कुछ इस तरीके से भुनेगा, देखिए आप। कढ़ाई पूरी छोड़ दी है, बेसिकली पूरा अच्छे से भुन चुका है ना? ये कढ़ाई छोड़ दी, इसमें हल्का हल्का सा घी दिखने लग गया है। जैसे हलवा सिकता है, जैसे हलवा सिकता है इस तरीके से सिकेगा बेटा, देख लो आप। हाँ, कलर भी हल्का सा चेंज हो गया लग रहा है। हाँ, कलर भी चेंज हुआ। हाँ, हम इसमें बेटा 1 किलो गुड़ नाप रहे हैं। अब जो ये आंवले का पेस्ट मैंने भुना था ना, अब ये मैंने गैस बंद कर दी है। गैस बंद करने के बाद इसमें ये 1 किलो गुड़ जो तोला था, इसको छोटे छोटे टुकड़े करके तब डालती हूँ इसमें। गुड़ ऐड करते ही देखिए इस पेस्ट का कलर चेंज हो गया ना, एकदम च्यवनप्राश लगने लगा ना। बस आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप गुड़ डालते हैं ना तो गैस ऑफ कर लीजिएगा और जब आप मिक्स कर रहे हैं तो एकदम लो फ्लेम पे ऑन करिएगा और पोटैटो मैशर से अच्छे से मैश करते हुए सारे गुड़ को मेल्ट कर लीजिएगा। ये बेटा 50 ग्राम इसमें ना शहद डलेगा। कलर तो एकदम च्यवनप्राश वाला हो गया ना, डार्क एकदम ब्लैक ब्लैक सा।
गुड़ की वजह से हुआ है ना ये? हाँ, ये जो मसाले निकाले थे ना, ये सारे अब मैं पीस लूंगी बारीक। मैंने छान लिया है सारा, क्योंकि कोई थोड़ा सा मोटा पीस रह जाता है। देखिए ये इसमें थोड़ा सा मोटा निकल गया है। ये 15-20 धागे केसर के डाल दिए इसमें। अब फाइनली सब चीज इसमें मिला लेंगे। एक बार इसको ऐसे चमचे से चला लेंगे, जिससे कोई छोटा मोटा गुड़ रह गया होगा तो इक्वल हो जाएगा सब मिलके। काफी लोग अब इसकी शेल्फ लाइफ के बारे में पूछेंगे, तो देखो इसमें हमने कोई प्रिजर्वेटिव तो ऐड नहीं किया। ये आराम से फिर भी आपका 2 महीने चल जाएगा। अगर आपकी फैमिली छोटी है तो आप थोड़ी क्वांटिटी में बना लीजिए, बट हमारी फैमिली के लिए इतना च्यवनप्राश 2 महीना आराम से यूज हो जाएगा और ये खराब भी नहीं होता 2 महीने में। तो ठंडा होने के बाद आप डब्बे में भर लीजिए और इसको, ये जो जितना ये बना हुआ च्यवनप्राश, ये मेरे फैमिली में 2 महीने 2.5 महीने आराम से चल जाता है। विंटर्स में ना ये बेस्ट रेमेडी होती है कि आप रात में सोने से पहले कच्ची हल्दी वाला दूध पिएं और साथ में ये घर का बना हुआ च्यवनप्राश लें। हमारे घर में बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये च्यवनप्राश बहुत ज्यादा पसंद आया। इसमें इंग्रेडिएंट्स थोड़े से ज्यादा पड़ते हैं, तो आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करिएगा, डेफिनेटली आपका च्यवनप्राश बहुत अच्छा बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। चलिए फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।